Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुरुग्राम लोकसभा से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी बनाए गए राव इंद्रजीत सिंह बीते रोज गुरुग्राम के भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और अपने लोकसभा चुनाव प्रचार की विधिवत रूप से शुरुआत की। लेकिन जब वो मीडिया से बात करने आए तो राव साहब ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिनकी अब पूरे प्रदेश में चर्चा है। पत्रकारों ने राव इंद्रजीत सिंह से पूछ लिया कि नायब सैनी कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के पीछे कहीं आपका हाथ तो नहीं है। इस सवाल के जवाब में राव इंद्रजीत सिंह ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने सीधा कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को यदि कोई उनसे जोड़कर देख रहा है तो वो गलतफहमी में है और यहाँ तक कि जब सीएम बदला गया तब भी उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। आगे बढ़ने से पहले आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। राव साहब, अभी हरियाणा में फेरबदल हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था लेकिन नहीं हो पाया, रुक गया। कुछ बातें निकल कर आ रही हैं, कुछ क्या लगाए जा रहे हैं कि शायद राव साहब ने वो मंत्रिमंडल का विस्तार करवा दिया, क्या कहना? नहीं बिल्कुल, ये तो देखो गलत क्यास लगाई जा रही है। मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात आई ना मेरे से पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया है। जब चीफ मिनिस्टर साहब बदले गए जब भी मेरे से सलाह मशवरा कोई नहीं लिया गया। और अगर कोई यूं कह रहा है कि मैंने मंत्रिमंडल रुकवा दिया तो वो गलत फहमी में है, मेरे से तो पूछा भी नहीं गया। देखो वो तो अपने पक्ष अपने पार्टी के पक्ष में तो कहेंगे ही ना, कांग्रेस वाले अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, हम अपने पक्ष के अंदर कहेंगे, ऐसा तो जनता ने करना है ना। थैंक यू। अरे हमेशा मैदान में मैं तो जितना इस साल में भागा दौड़ी करी है यार, पहले जवानी में नहीं करी होगी। इतना तो साफ है कि हालिया सियासी फेरबदल में भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह को कहीं भी लूप में नहीं रखा और अब तो खुद राव साहब ने भी अपने मुंह से इस बात का खुलासा कर दिया है। बावजूद इसके राव इंद्रजीत सिंह खफा होने की बजाय अपने लोकसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। हालांकि उनके संयम बरतने के इस लहजे को सियासी जानकार एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की गिनती अपने दिल की बात कहने वाले नेताओं में होती है। ऐसे में यदि भाजपा ने इतने बड़े सियासी फेरबदल के बारे में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया और फिर भी वो संयम बरत रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी रणनीति है। और सूत्रों की माने तो राव साहब अपने लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं चाहते और उन्हें इंतजार है आगामी विधानसभा चुनाव का, जहां वो पार्टी को अपनी सियासी ताकत का भी एहसास कराएंगे और साथ ही इस सियासी फेरबदल से उन्हें दूर रखने की भाजपा की रणनीति का भी जवाब देंगे। आप राव साहब के संयम बरतने को कैसे देखते हैं, इस पर अपनी राय जरूर दें। गुरुग्राम से हरियाणा तक के लिए नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।